दोस्तों, आपने, हमने या कह लीजिए सबने बचपन में पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर और कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है ना। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये बनते कैसे हैं और इन सारे सामानों की शुरुआत कैसे हुई? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इरेजर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, रबर का आविष्कार इंग्लैंड के ऑप्टिशियन एडवर्ड नायरने ने सन 1770 में किया था। दोस्तों, इरेजर बनाने के लिए भी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप इरेजर बनाने वाली मशीन को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इस मशीन को यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी खोजबीन करनी पड़ेगी। मशीन की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की मशीन खरीद रहे हैं। मतलब अगर आप ज्यादा इरेजर बनाने की क्षमता रखने वाली मशीन लेते हैं तो ये आपको लाखों तक में मिलेगी। वहीं कम क्षमता वाली मशीन आपको इससे थोड़ी सस्ती पड़ेगी। इरेजर बनाने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप प्राकृतिक तरीके से रबर से इरेजर बनाना चाहते हैं या फिर सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन दोनों तरह की रबड़ों में किसी भी तरह का अंतर नहीं होता है, इसीलिए आप इनमें से किसी भी तरह की रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं एक बार ये तय कर लेने के बाद कि आप किस रबड़ का इस्तेमाल करेंगे, आप उस प्रकार की रबड़ को खरीद लें। लेकिन सिंथेटिक रबड़ जब आप लेते हैं तो ये आपको पाउडर की तरह मिलती है। वहीं प्राकृतिक रबर पाउडर के रूप में उपलब्ध नहीं होती है, इसीलिए आपको सबसे पहले प्राकृतिक रबर जो कि गांठों में आती है उसे पाउडर की तरह बनाना होता है। रबर के पाउडर में आपको सबसे पहले सभी केमिकलों को मिलाना होगा। इन सामग्रियों को अच्छे से मिलाने के बाद मशीन की मदद से आपको इन सामग्रियों को पिघलाना होगा। ये मिश्रण पिघलने के बाद थोड़ा सा नरम और ठोस हो जाएगा, जिसके बाद आपको मशीन की मदद से इस मिश्रण को इरेजर का आकार देना होगा और आपकी इरेजर बनकर तैयार हो जाएगी। इरेजर बनाने के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण काम है वो इनकी पैकिंग करना है। अक्सर इरेजर की दो प्रकार से पैकिंग की जाती है। एक तरह की पैकिंग में इरेजर पर पॉलिथीन चढ़ी होती है और दूसरे प्रकार की पैकिंग में इस पर कागज का कवर लगा होता है। इन दोनों तरह की पैकिंग में से आपको एक प्रकार की पैकिंग अपनी रबर के लिए चुननी होगी। पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस और खाड़ियां मिट्टी को ग्राइंडर में पीस कर छलनी में छान लीजिए। फिर गोंद को गर्म पानी में भिगोकर रख दीजिए। जब पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तो छलनी से छान लीजिए। अब सोडियम सिलिकेट घोल को दूसरे घोल में मिलाकर और कूट कर आटे जैसा बना लीजिए। स्लेट पेंसिल बनाने की मशीन एक्सट्रूजन टाइप की होती है जो हाथ से चलती है। पेंसिल की नोक यानी कि लिखने वाला पॉइंट बनाने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैकिंग के लिए एक पैकेट में कितनी पेंसिल रखनी है ये पहले देखकर ही पैकिंग करने की जरूरत होती है। इसके पैकेट्स को आकर्षक बनाने के लिए इसके पैकेट्स में तरह तरह के कार्टून की तस्वीरें लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही यदि संभव हो तो पेंसिल के एक सिरे में छोटी छोटी रबर लगाई जा सकती है। पेंसिल की बिक्री बहुत ही आसानी से की जा सकती है यदि कुछ बातों का खास ख्याल रखा जाए। इसके लिए अलग अलग स्टेशनरी दुकानों और किराने दुकानों पर इसे बेचा जा सकता है। इस तरह वेलवेट पेंसिल बेचकर अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। पेन। दोस्तों, इसका आविष्कार अमेरिकी वकील और लेदर का काम करने वाले एक व्यक्ति जॉन जैकब लाउड ने सन 1888 में किया था। जॉन लाउड को बॉल पेन बनाने का विचार लेदर की वस्तुओं पर काम करते वक्त आया था। दरअसल उन्हें लेदर के बड़े बड़े टुकड़ों को काटते वक्त उन पर निशान लगाने होते थे। इसके लिए उस समय मौजूद पेंसिल और फाउंटेन पेन से निशान लगाना मुमकिन नहीं होता था। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक ऐसी कलम बनाई जिसकी नोक धातु की एक छोटी सी बॉल के आकार थी और चारों ओर आसानी से घूम सकती थी। इस छोटी बॉल को उसके स्थान पर बनाए रखने के लिए सॉकेट का उपयोग किया गया था। जॉन लाउड ने अपने इस नए आविष्कार के लिए 30 अक्टूबर 1888 को अमेरिका में पेटेंट प्राप्त किया। ये बॉल पेन के लिए दुनिया का पहला पेटेंट था। पेन मेकिंग प्रोसेस। पेन को बनाने के लिए कुछ मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है इनको बनाने के लिए, क्योंकि यदि ये मशीनें आपके पास नहीं रहेंगी तो आप ये बिजनेस शुरू करके भी नहीं कर पाएंगे। पेन बनाने की प्रोसेस को भी जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि
क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता होगा कि किस तरह से पेन बनाते हैं तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पंचिंग मशीन में अडॉप्टर फिक्स कर लेना है, फिर उस पंचिंग मशीन में बैरल को ले जाना है और सही जगह पर अडॉप्टर को पंच करना है जिससे वो उसके ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाए। इस प्रोसेस के बाद अब आपको अपने बैरल में स्याही भरने की प्रक्रिया को करना है। इसके लिए आप इंक फिलिंग मशीन का उपयोग करेंगे। इसमें आपको इंक डालना है, उसके बाद बैरल में भरना शुरू करना है। लेकिन एक बात का आप नितान ध्यान दें कि स्याही भरते समय अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये आपके पेन से बाहर आ जाएगी। जब आप एक बार भर लेंगे तब आपको उसके ऊपर हिस्से पर हाथ को रखना है और बैरल के छेद में टिप को फिक्स करना है। अब जब आप ये प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तब आपका पेन बनाने का सफर पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में उस बैरल को डालना है ताकि उसके अंदर की जितनी भी हवा है वो बाहर निकल जाए और आपका पेन लिखने के लायक बन जाए। ये सब प्रक्रिया करने के बाद आपका पेन पूरी तरह से मार्केट में उतरने लायक बन चुका है। अब आप चाहें तो आप इसे ब्रांड के रूप में मार्केट में ला सकते हैं। पैकिंग करते हुए ऐसे पैकेट्स तैयार करें जो आकर्षक दिखाई दे, मतलब ये है कि 5 पेन की कीमत पर एक अधिक पेन ऑफर के तौर पर पैकेट में डाल दें। इससे ग्राहक आपके ब्रांड की तरफ आकर्षित होंगे। आमतौर पर पेन बेचने के लिए 5 या 10 पीस के पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। इससे आप खुला भी बेच सकते हैं। शार्पनर का विकास फ्रांस में शुरू हुआ जब 1822 की एक फ्रांसीसी पुस्तक ने शार्पनर के निर्माण के लिए मिस्टर सी ए बाउचर के एक आविष्कार के बारे में विस्तार से बताया। जाहिर तौर पर पेंसिल को ठीक से तेज करने के लिए एक उपकरण की जरूरत थी। 19वीं शताब्दी के अंत में विशेष रूप से अमेरिका में अलग अलग मशीनों के साथ पेंसिल शार्पनर विकसित किए गए और बाजार में उतारे गए। शार्पनर मेकिंग प्रोसेस। शार्पनर बनाने के लिए मैग्नीशियम की एक लंबी पट्टी चाहिए होती है, फिर ताजा कटे हुए ब्लॉक नीचे एक साथ किए जाते हैं, फिर अगली मशीन में लोड किया जाता है जो हम पेंसिल शार्पनर बनाने में काम करेंगे। मशीन के चारों ओर इक्विपमेंट गुजारा जाता है, ये पेंसिल के लिए मुख्य पकड़ बनाता है, फिर ताजा ब्लेड सभी एक साथ फंस जाते हैं। अब ब्लेड तेल के साथ डूबे होते हैं, इसीलिए एक स्नान की आवश्यकता होती है। नहाने धोने की सफाई के बाद तेज करने को तैयार होती है, लेकिन पहले उन्हें पेंसिल शार्पनर के काम करने के लिए क्रम के अनुसार करने की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को हाथों से प्रत्येक ब्लेड को छांटने में अधिक परेशानी होती है, इसीलिए ये मशीन उनके लिए करती है। सही ब्लेड गुजर जाते हैं, बाकी नीचे गिर जाते हैं, फिर से चक्कर लगाने के लिए सिस्टम में वापस आते हैं, जहां से गुजरने के बाद प्रोसेस यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक कार्यकर्ता अब उन्हें इकट्ठा कर सकता है और उन्हें तेज करने के लिए ग्राइंडर में लोड कर सकता है। प्रत्येक स्लॉट केवल एक ब्लेड लेता है। ब्लेड के साथ शार्पनर बॉडी को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस बचा है वो किया जाता है। ब्लेड को शरीर से जोड़ने के लिए एक छोटे स्क्रू का उपयोग किया जाता है और फिर शार्पनर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं पेंसिल की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों बात 1564 की है जब इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आया था जिसके कारण वहां पर बहुत से पेड़ उखड़ गए थे और बहुत से पेड़ गिर भी गए थे। और वहां पर जब तूफान के बाद बकरियों के चरवाहे आए तो उस चरवाहे ने देखा कि इस पेड़ की जड़ों पर बहुत सारा काला पदार्थ लगा हुआ है। सबसे पहले तो उसने उस काले पदार्थ को कोयला सोचा था, फिर उसने उस काले पदार्थ को जलाने की सोची, तब उसने उसका काले पदार्थ को जलाया तो वो कोयले की भांति जल नहीं रहा था। उसने उस समय उसे सिर्फ काले पदार्थ का ही नाम दिया था और बाद में उसका नाम ग्रेफाइट रखा गया और इस ग्रेफाइट को बकरियों के ऊपर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इंग्लैंड के बाजार में ग्रेफाइट को कागज में रखकर बेचा जाता था। 16वीं शताब्दी के अंत में लोगों ने इस ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया, लेकिन ग्रेफाइट इतना ज्यादा नरम और नाजुक था कि इसे लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, इसीलिए फिर इस ग्रेफाइट को एक धागे के अंदर बांधकर लिखना शुरू किया गया। 1560 में सबसे पहले इटालियन लोगों ने पेंसिल बनाने के लिए जूनीपर नाम के एक पेड़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस पेड़ की लकड़ी को काट कर उसके टुकड़ों के अंदर छेद करके ग्रेफाइट को इसके अंदर भर दिया और इसके अंदर ग्रेफाइट को चिपका दिया जाता था। फिर लगभग 1660 में जर्मनी में लकड़ी के टुकड़ों को लेकर पेंसिल को बनाना शुरू किया गया था
और वो लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर और इनके बीच ग्रेफाइट को रख कर चिपका दिया जाता था। और फिर इसके बाद 1790 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई शुरू हुई और इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड ने फ्रांस के लिए ग्रेफाइट को बंद कर दिया और इस ग्रेफाइट को बैन करने के बाद ग्रेफाइट की कमी होने लगी। फ्रांस के मिनिस्टर ने अपने कमांडर और साइंटिस्ट निकोलस जाक कोंटे को इसका कोई सुझाव ढूंढने के लिए कहा। कुछ दिनों की खोज और छानबीन के बाद निकोलस ने एक दिन पानी के अंदर चिकनी मिट्टी और ग्रेफाइट को मिलाया और उसका एक मिश्रण बनाया और उस मिश्रण को सूखने के लिए धूप में रख दिया। अगर ये मिश्रण सूख जाता तो इसको फिर भट्टी के अंदर जलाते। इसी समय पर निकोलस ने एक और चीज देखी, चिकनी मिट्टी को कम ज्यादा करने पर पेंसिल से लिखने में कुछ फर्क आ रहा है और वहां से एच और एचबी जैसी पेंसिल को बनाने की शुरुआत की गई और वहां से पेंसिल शुरू हुआ। दोस्तों, आपको इससे पहले पता था कि जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो बनता कैसे है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।